नहीं देखिए, निराशा की कोई बात नहीं है, ये सही है कि जनता जब निर्णय लेती है तो उसका हम लोग सम्मान करते हैं, जनता का जो निर्णय है उसको हम सिरोधारी करते हैं। और अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हमारी पुरजोर कोशिश होगी कि हम सरकार बनाएं, और आप तेलंगाना में जानते हैं हम किस तरह से भारी बहुमत से जीत रहे हैं, और जो भी लोकतंत्र में जनता का निर्णय होता है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, सम्मान कर रहे हैं। नहीं, उसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चार राज्यों में जहां आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं, उन चार राज्यों में हमारी जीत 2018 में हुई थी, बाद में दो राज्यों में बहुमत की लूट हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और उन चार राज्यों में जीतने के बाद जब लोकसभा में चुनाव हुआ तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई, और जब लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ तो हम लोग जीत गए। तो इसलिए इससे बहुत उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी, देश की गारंटी, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, तो इतना उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं। हम समझते हैं कि जब हमने हार स्वीकार किया है तो उनको भी जीत का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन अहंकार जब सर चढ़ करके बोलता है तो आने वाले समय में नुकसान करता है। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम लोग ने आदरणीय अपने शीर्ष नेतृत्व के अंतर्गत सारे संगठन का सशक्तिकरण किया है, तो आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव सबसे पहले होने वाला है वह हमारी जीत होगी।